अरे यार, ये सेकंड हैंड कार मैंने खरीद तो ली, लेकिन यार हर दूसरे दिन बाद यार इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अब पता नहीं भाई इस कार में क्या प्रॉब्लम आ गई। मेरे को जस्ट अभी अभी ऑफिस के लिए निकलना था, लेकिन यार मेरी कार ही खराब हो गई। अब इसको मैं कैसे ठीक करूँ? और मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है जो मैं मकैनिक को बुलवा के इसको ठीक करवा लूँ। अब यार कुछ ना कुछ करके इस कार को तो मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। वैसे यार मेरे को कार के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज तो है नहीं। मेरे ख्याल से यार इसका कोई तार वार तो नहीं टूट गया? चल जा भाई, चल जा प्लीज। अरे यार चल नहीं, खराब ही हो गई। अरे यार इतनी गर्मी में पापा ने मुझे काम पे लगा दिया। पापा ने बोला यहाँ पे गड्ढा कर, यहाँ पे हम स्विमिंग पूल बनवाएंगे। अरे तो मैंने बोला यार किसी को बुलवा के उनसे गड्ढा करवा लेते, मुझसे ही गड्ढा करवा रहे। अरे बाबरे कितनी गर्मी है यार, लेकिन करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं भग जाता हूँ। हाँ यार मेरे से नहीं होगा इतनी गर्मी में कोई काम वाम। पापा भी सो रहे हैं, जल्दी भग जाता हूँ। पापा को क्या पता मैं भग जाऊंगा, जल्दी भग जाते हैं फ्रैंकल भैया के घर पे। सिंचैन तो आज स्कूल गया हुआ है, मैं ही जाता हूँ फ्रैंकल भैया के घर पे और थोड़ी देर वहाँ पे आराम से होगा, बहुत मजा आएगा। फ्रैंकल भैया वैसे मुझे कुछ कहते भी नहीं है। एक सेकंड, ये क्या कर रहे हैं फ्रैंकल भैया? अरे लगता है ये कार को ठीक कर रहे हैं। इनकी ना वीडियो बना लेता हूँ, फिर सिंचैन को दिखाऊंगा। हाँ बहुत मजा आएगा, चलो जल्दी से इनकी वीडियो बना लेता हूँ। बहुत बढ़िया फ्रैंकल भैया, आप वीडियो में कितने अच्छे दिख रहे हो। वैसे फ्रैंकल भैया को अभी पता नहीं है कि मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ, मस्त करके वीडियो बनाता हूँ। फ्रैंकल भैया बहुत अच्छे लग रहे हो, काम करते रहो। यार मेरे तो समझ नहीं आ रहा आखिरकार प्रॉब्लम आई तो आई कहाँ पे? कहीं इस कार के अंदर कोई चूहा वूहा तो नहीं घुस गया? यार चल जा भाई प्लीज, कार चल जा। ये मैंने दोबारा स्टार्ट करी और एक्सीलेटर दिया। वाव यार फाइनली अपनी कार तो ठीक हो गई। लेकिन वो कौन है यार? वो तो लिटिल सिंघम है। लेकिन वो क्या कर रहा है यार? ये तो मेरी वीडियो बना रहा है। अरे बाप रे, अभी जाके इसे बताता हूँ। अरे लिटिल सिंघम के बच्चे, ये ले घुसेगा। अरे फ्रैंकल भैया क्यों मार दिया मुझे? अबे लिटिल सिंघम के बच्चे, तू मेरी वीडियो बना रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ तो। अरे फ्रैंकल भैया बहुत मजा आया, मैंने तो तुम्हारी वीडियो बनाई। चुपचाप से जो भी वीडियो बनाई है ना उसे डिलीट कर दे, किसी को दिखा मत दियो। फ्रैंकल भैया मैं तो सिंचैन को दिखाऊंगा। हाँ सिंचैन को दिखा दियो, लेकिन और किसी को मत दिखा दियो कि मैं गाड़ी ठीक कर रहा था। और ये बता यहाँ पे क्यों है? अरे फ्रैंकल भैया मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक सिंचैन स्कूल से आ रहा है फ्रैंकल भैया घूमने की तैयारी करें। हाँ यार घूमने का तो मेरा भी मन कर रहा है और ऑफिस का टाइम भी निकल गया, चल घूमने की तैयारी करते हैं। अरे यार बंदर, आज तो स्कूल में बहुत मजा आ गया यार। सही है लिटिल सिंघम नहीं आया, वरना तो उसे भी चॉकलेट खाने को मिलती। और क्या भैया, आज तो मैडम ने भाई तुझे भी चॉकलेट खिलाई और मुझे भी चॉकलेट खिलाई, बहुत मजा आ गया। चलते हैं घर पे और फ्रैंकल भैया को बताऊंगा आज तो मैम ने यार मेरे को चॉकलेट खिलाई है। चलो घर पे तो आ गया भगते भगते। फ्रैंकल भैया बाहर खड़े हैं, लिटिल सिंघम भी है। फ्रैंकल भैया, लिटिल सिंघम भाई, आज ना मैं स्कूल में बहुत खुश हुआ। अबे सिंचैन क्या हो गया ऐसे स्कूल में? फ्रैंकल भैया मैम ने यार मुझे चॉकलेट खिलाई। और क्या फ्रैंकल भैया, मुझे भी चॉकलेट खिलाई। अबे बंदर को भी चॉकलेट खिला दी क्या मैम ने? अबे सिंचैन यार, जब मैं स्कूल नहीं जाता उसी दिन मैम तुमको की चॉकलेट खिलाती है, मुझे क्या पता मैम देखती होंगी कि लिटिल सिंघम स्कूल नहीं आया तो मैम ने मुझे चॉकलेट खिला देती है और बंदर को भी। और क्या मजा आ जाता है भैया चॉकलेट खाकर। लेकिन फ्रैंकल भैया जा कर रही हो? सिंचैन बैठ जा गाड़ी में भाई, हम ना कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं जंगल में। अरे वह फिर तो बहुत मजा आएगा। अरे फ्रैंकल भैया मैं क्या करता हूँ, कुछ खाने पीने को ले लो। अबे बंदर के बच्चे तेरे पास पैसे हैं? ना भैया हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं है। हाँ तो चुपचाप बैठा है, मैं कुछ ले लूंगा रास्ते में से खाने पीने का। अरे वह फिर तो बहुत मजा आएगा। फ्रैंकल भैया चिप्स के पैकेट ले लेना काफी सारे। हाँ सिंचैन बहुत सारे चिप्स के पैकेट ले लेंगे, क्यों टेंशन ले रहा है? अरे वह फिर तो फ्रैंकल भैया तो यार बहुत ही मजा आने वाला है। और सिंचैन तुझे पता है अभी यार मेरी कार ये दोबारा से खराब हो गई थी, बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है ये। अरे हाँ सिंचैन मैंने वीडियो भी बनाई है, दिखाऊं तुझे? लिटिल सिंघम के बच्चे उस वीडियो को डिलीट कर दे वरना तेरे को बहुत मारूंगा। और गाइस जब तक यार हम जंगलों में पहुंच रहे हैं ना, आप लोग गाइस फटाफट से अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो गाइस अभी मैं सिंचैन लिटिल सिंघम जंगल के अंदर बस जाने ही वाले हैं। अरे वाह फ्रैंकल भाई यही जंगल है क्या? नहीं सिंचैन भाई, अभी तो जस्ट हमने भाई जंगल के अंदर एंटर करा है, अभी तो हमको एकदम बीच में जाना है। अरे सिटी यार सिंचैन, हमारा तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। अरे वाह फ्रैंकल भैया मजा आता है एक्सीडेंट और करो। अबे चुप हो जा, जब तेरे चोट लगेगी ना जब पता लगेगा। अरे 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 ब्रेक लग ब्रेक लग। अरे क्या कर रहे हो फ्रैंकल भाई यार, कुदाते कुदाते लेके जा रहे हो तुम तो गाड़ी को। ले सिंचैन भाई जिसका डर था वो भी फाइनली हो ही गया। अरे क्या हुआ फ्रैंकल भाई, चलो ना। सिंचैन भाई बंद हो गई गाड़ी। अबे यार सिंचैन मैं तो इस गाड़ी से परेशान हो गया, हर दो दिन बाद सिंचैन खराब हो जाते हैं और आज तो सिंचैन एक ही दिन में दो बार खराब हो गई। अरे यार फ्रैंकल भाई क्या करें यार, हम तो जंगलों में फंस गए। हाँ सिंचैन भाई यहाँ से हमारा घर तो बहुत दूर है, कैसे जाएंगे हम? अरे यार फ्रैंकल भाई लगता है पैदल पैदल जाना पड़ेगा। अरे फ्रैंकल भैया एक काम करो, तुम इस कार को ठीक करो। इतने सिंचैन भैया और हम लिटिल सिंघम घूम के आते हैं। अरे भाई कहीं दूर मत चले जाना। अरे हाँ फ्रैंकल भाई कहीं दूर नहीं चलेंगे, आ जाओ तुम दोनों के दोनों मेरे पीछे हो, ऐसा समझो कि तुम दोनों ना मेरे चेले हो। अरे चिप कर जा लिटिल सिंघम के बच्चे, वरना तेरे को यहीं मारूंगा। तू है मेरा चेला। अबे सिंचैन कोई किसी का चेला नहीं है, आ जाओ थोड़ा घूम फिर के आते हैं। अरे लिटिल सिंघम भैया हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि आज हम तुम्हारी ना शकल पे दो चांटे बजा देते हैं। अबे पागल है, मेरी शकल पे क्यों चांटे बजाएगा? अरे हाँ बंदर सही कह रहे हैं, लिटिल सिंघम दो चार चांटे खा ले यार। अरे पर सिंचैन भैया एक बात बताओ, फ्रैंकल भैया बोल रहे थे चिप्स खरीदेंगे, उन्होंने तो चिप्स का एक भी पैकेट नहीं खरीदा। अरे तुझे चिप्स की पड़ी है, यहाँ फ्रैंकल भैया की गाड़ी खराब हो गई। अबे सिंचैन मैं क्या कह रहा हूँ भाई, कहाँ पे घूमने चले, ये तो पूरा जंगल ही है भाई।
भाई। अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ कहीं शेर वीर तो नहीं मिलेगा ना लिटिल सिंघम? सिंचन भाई शेर भी मिल सकता है, मैं तुम्हें एक भूत की कहानी सुनाता हूँ। अबे चुप कर जा यार, भूत की कहानी मत सुना। अबे सिंचन वहाँ पे क्या है भाई, वो देखियो। अरे हाँ यार वो चीज क्या है, चल चल के दिखते हैं। आजा आजा, वैसे भी हम खाली तो है भाई, चलता है वहीं पे एक बार देख के आते हैं वो क्या चीज है। अरे भैया वहाँ मत जाओ भैया, मैं तो डर लग रहा है भैया, हम तो सोच रहे हैं घर चले जाते हैं भगते भगते। जाओ बंदर के बच्चे तू घर चले जाओ। सिंचन भाई तू आ यहाँ पे देखियो ये क्या है। अरे ये तो मेरे को किसी का घर लग रहा है भाई, छोटा छोटा सा घर है, इसे क्यों ना हम अपना घर बना ले और आज रात यहीं पे रुक के देखते हैं क्या होता है। लिटिल सिंघम भैया तुम ही रुको रात को, हमारा तो भैया अपने घर जाने का मन कर रहा है, हम तो जा रहे हैं घर पे, हमारी मम्मी हमको ढूंढ रही होंगी। अरे जा बंदर के बच्चे तू घर ही चले जा। लिटिल सिंघम मैं क्या कह रहा हूँ, आज रात हम ना इसी घर के अंदर रुकेंगे। पर सिंचन भैया इसके अंदर तो गेट ही नहीं है। अरे हाँ यार लिटिल सिंघम इसमें तो गेट ही नहीं है भाई। अबे यार सिंचन गेट नहीं है तो क्या हुआ, तू डर रहा है क्या? अरे नहीं यार मैं तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा, तू मैं फ्रेंकिल भैया यहीं पे रुकेंगे और बंदर का बच्चे तू घर जा, तू तो डरपोक है। और क्या सिंचन भैया हम तो घर जा रहे हैं, तुम तीनों भैया यहीं पे मजे करो, हम तो जा रहे हैं घर पे। अरे यार बंदर तो सही में घर जा रहा है क्या? और क्या भैया हमें तो इस पहाड़ी पे लग रहा डर, और हमारी मम्मी भी हमको ढूंढने लग रही होंगी क्योंकि स्कूल के टाइम से ज्यादा ही हो गया, हम अब तक घर पहुंच जाते थे। चलो भगते भगते चलते हैं और अपने घर पे पहुंच जाएंगे, चलो भागो भागो भागो। अरे बाबरे कहीं बीच रास्ते में मुझे भूत तो नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, चलते रहे भगते भगते भगते। अरे यार बहुत टाइम हो गया इस कार को ठीक करते हुए, लेकिन यार कार तो ठीक होकर ही नहीं दे रही। और ये सिंचन लिटिल सिंघम और बंदर कहाँ चले गए भाई, मुझे तो दिख भी नहीं रहे। मेरे ख्याल से नीचे मुझे कुछ अजीब सा चीज दिख रही है, वहीं पे होंगे वो, पक्का पता है मुझे यहीं पे होंगे। चलो चल के देखते हैं। देखा ये रे, अरे बाबरे रे गिर गया। चलो सही है यार, किसी ने देखा नहीं, फटाफट से उठ जाता हूँ। अरे बाबरे उठा भी नहीं जा रहा यार, पत्थरों के बीच में फंस गया था मैं तो। अरे फ्रेंकिल भाई यार इधर आओ यार, कहाँ सुपरमैन बनने हो? अबे सिंचन तूने देखा तो नहीं? अरे हमने देख लिया फ्रेंकिल भाई, तुम एकदम गिरे भाई। अबे यार सिंचन के बच्चे तूने देख लिया? अबे बंदर कहाँ है? अरे फ्रेंकिल भाई बंदर तो घर चले गया। अबे क्या घर चले गया अकेले? और क्या फ्रेंकिल भाई वो तो अकेले घर चले गया कह रहे, मुझे डर लग रहा है। चल ठीक है भाई उसे जाने दे। अब सिंचन मैं क्या कह रहा था भाई, अब करें क्या भाई, हमारी तो गाड़ी खराब हो गई, मुझे ऐसा लगता है सिंचन हमको भी यार गाड़ी यहीं पे छोड़ के घर जाना पड़ेगा। अरे हाँ यार अब तो घर ही जाना पड़ेगा। अबे सिंचन यहीं रुकते हैं भाई आज रात को। आज तो मुझे बहुत ही भूख लगी लेकिन कहीं पे कुछ मिला नहीं, ये कैसा वाहन है, लगता है इसे ही खा के आज मुझको अपनी भूख मिटानी पड़ेगी। लेकिन ये तो लोहा लग रहा है मुझे, अगर मैंने इसको खाया तो मेरा तो पेट ही फट जाएगा, वैसे भी मेरा बहुत मोटा पेट हो चुका है खाना खा खा के, आज लगता है मुझे भूखा रहना पड़ेगा। पूरा लहसुन तो छान मार लिया लेकिन किसी ने भी मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। अब चलते अपने घर पर चुपचाप से सो जाते हैं और कल ही जाएंगे खाना खाने के लिए। अगर ये वाहन लोहे का नहीं होता तो इसको मैं चबा जाता कच्चा और अपनी भूख मिटा लेता। ये क्या देख रहा हूँ मेरे अड्डे पे, ये कौन लोग हैं, अब इनको खा जाता हूँ। और बच्चों बच्चों कौन हो? अरे बाबरी ये कौन है फ्रेंकिल भैया? मुच्चड़ अंकल है, मुच्चड़ अंकल। ओए मुच्चड़ अंकल मत बोलिए मुझे। अरे यार फ्रेंकिल भैया मारो इसको। अबे सिंचन के बच्चे चुप हो जाओ। अरे यार मैंने तो कुछ बोला ही नहीं यार, लिटिल सिंघम ने बोला। अबे भाई कौन है तू? अबे हम पूछेंगे तुमसे कि तुम कौन हो, हमारे अड्डे पे क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? अरे भाई कुछ नहीं, हमारी ना कार खराब हो गई भाई, हम तो यहाँ पे घूमने आए थे। और भाई यहाँ पर हमारा घर भी नहीं है, हमारा घर ना यहाँ से बहुत दूर है। इसका मतलब तुम्हारा घर नहीं है तो निकलो यहाँ से, मेरे अड्डे पे क्या कर रहे हो, मेरा घर है ये। अरे वह मुच्चे अंकल आपका घर तो बहुत अच्छा है यार, तुम्हारे घर में तो गेट भी नहीं है, चोरी हुई आ जाएगा। अरे चोरी क्या करेगा मेरे घर में आके, मेरे घर में तो कुछ समाज ही नहीं है, तुम निकलो यहाँ से फटाफट वरना खा जाऊंगा तुमको। आजा सिंचन भाई चलते हैं, मुझे तो ये मुच्चे अंकल काफी खतरनाक लग रहा है। अरे हाँ यार फिंगल बग कहीं हमको खाना जाए सच में। हाँ सिंचन भाई देखियो कितना अजीब लग रहा है और इसका कलर देख। अरे बाबरे चलो फ्रेंगल भाई भगते हैं। लेकिन सिंचन भाई पैदल पैदल इतनी दूर हमको जाना पड़ेगा, ये सेकंड हैंड कार मैंने बहुत ही गलत खरीद ली, अब क्या कर सकते हैं भाई, अब तो पैदल ही पैदल अपने घर की तरफ जाना पड़ेगा। अरे यार फ्रेंगल भाई ये मुच्चड़ अंकल तो यार पीछे पीछे आ रहा है हमारे। क्या पीछे पीछे आ रहा है? पता नहीं सिंचन किस लिए आ रहा है हमारे पीछे। अरे मुच्चड़ भाई हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? अरे मुझको लगता है तुम्हारे पास सही में घर नहीं है यहाँ पे, चलो मैं तुमको घर दे देता हूँ। अरे क्या तुम मुझे घर दोगे? अरे भाई तुम्हारा घर कुछ टूटा फूटा है, तुम मुझे क्या घर दोगे? अच्छा बेटा मुझ पे ज्यादा वो शक कर रहा है बेटा, तू मेरे बारे में जानता नहीं है, मूंछ में लपेट के तेरे को गोल गोल घुमा दूंगा धरती पे। अरे वाह मुच्चड़ अंकल बहुत बढ़िया, मुच्चड़ अंकल तुमको फ्रेंकिल भैया की वीडियो दिखाता हूँ, ये ना कार भी सही कर लेते हैं। अबे सिंचन भाई ये क्या निकल रहा है मेरे अंदर से? बेटा जा तेरे पास घर भी आएगा और तेरे पास गाड़ी भी आएगी। अरे भाई ये क्या कर रहा है मुच्चड़ अंकल तू? अरे बाबरे फ्रेंकिल भैया मुच्चड़ अंकल मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें ना खाने की तैयारी कर रहा है। अरे मुच्चड़ अंकल मुझे माफ कर दे, मुझे खाइयो मत। अबे वो कहां गया सिंचन? अरे बाबरे कहीं फ्रेंकिल भाई वो कोई भूत तो नहीं था? सिंचन भाई वो हमारे सामने खड़ा था और अचानक से गायब हो गया। मैं क्या कह रहा हूँ सिंचन भाग भाई, वो तो पक्का भूत था। फ्रेंकिल भैया मुझे छोड़ के मत भागो। अबे लिटिल सिंघम के बच्चे जल्दी भाग भाग क्या, लेकिन मेरी कार तो खराब है। ये क्या हुआ सिंचन भाई? अरे ये क्या हुआ फ्रेंकिल भैया, तुम्हारी गाड़ी तो गोल्ड में कन्वर्ट हो गई। सिंचन भाई अपनी कार कहां गायब हो गई? जैसे मैंने अपनी कार को टच करा वो तो सिंचन भाई गोल्ड में कन्वर्ट हो गई। मुझे ऐसा लगता है सिंचन ये हमारे साथ जो भी हो रहा है ना मुच्चड़ अंकल ने करा है। एक काम करते हैं सिंचन, इस गोल्ड को लेकर ना भाई सिमियन की दुकान पे चलते हैं। अरे चलो फ्रेंकिल भैया मजा आएगा। चल
सिंचन भाई, अब भगते हुए हमें सिमियन की दुकान पे जाना होगा। इस पहाड़ी से सिंचन सिमियन की दुकान ना बहुत ही पास में। अरे चलो फ्रिंगल पे चलते हैं, फिर चलते हैं सिंचन, और ये सिमियन को गोल्ड दे देंगे और उसके वहां से एक गाड़ी ले लेंगे नई। अरे वह फिर तो बहुत मजा आएगा, आ जाओ भाई भगते हुए फटाफट से निकलते हैं। अरे बाबरे मैं तो बहुत ही थक गया भाई भगते भगते, लेकिन फाइनली यार हम सिमियन की दुकान पे तो पहुंच चुके हैं। अरे फ्रिंगल पे जल्दी चलो यार, एक कार खरीदते हैं, बहुत महंगी कार खरीदेंगे। हाँ सिंचन बहुत बड़ी कार खरीदेंगे। अरे भाई मेरे सामने चढ़ जाओ। ओए सिमियन भाई, अरे ये क्या देख रहे हो फ्रैंकिल भाई, ये क्या बोर्ड लेके आ रहा है तू, ये क्या कबाड़ा है? अरे ये कबाड़ा नहीं भाई, ये गोल्ड है। अच्छा ये गोल्ड है क्या? हाँ दिखने में तो गोल्ड जैसे ही लग रहा है भाई, तो इसको पूरा चेक कर ले भाई, ये ना सच में भाई एकदम प्योर गोल्ड है। अरे हाँ सिमियन अंकल ये एकदम प्योर गोल्ड है। अच्छा ऐसी बात है, अगर प्योर गोल्ड है तो तुम्हें एक कार मिल पाएगी इसके बदले में, कोई सी भी उठा लो, मेरे पास बहुत महंगी महंगी कार है। अरे वाह फाइनली सिंचन, सिमियन ने भाई हाँ कर दी कार देने को। अरे वाह फ्रेंगी भैया यार मजा आ गया। सिंचन भाई चूज कर कौन सी कार लेनी चाहिए। अरे देखो फ्रेंगल भाई कोई बढ़िया कार ले लो। ले ले भाई सिंचन इनमें से कोई सी भी कार ले ले, लेकिन सस्ती वाली मत लियो, क्योंकि जो तूने मुझे गोल्ड दिया ना वो बहुत सारा है, इतने में तो एक सुपर कार आएगी तेरे पास। बहुत बढ़िया, फिर तो सिंचन ये वाली कार डन ही कर देते हैं। अरे हाँ यार डन कर दे फ्रेंगल भाई, मैं उस साइड देख के आ रहा हूँ कौन सी सुपर कार लेनी चाहिए। हाँ सिंचन लिटिल सिंघम भाई तुम भी देखो भाई अगर कार में उसको कौन सी कार लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो भाई ये रेड वाली कार तो थोड़ी नॉर्मल लग रही है। अरे यार वही रेड वाली ले लो फ्रेंगल भैया। ठीक है सिंचन आजा रेड वाली कार एक बार चला के देखते हैं। लो भैया मैं बैठ गया, सिंचन को क्या बुला रहे हो, मैं बैठ तो गया। और भाई ये क्या हुआ सिंचन भाई, ये गाड़ी गोल्ड में कैसे कन्वर्ट हो गई? अरे ये कैसी बात है फ्रेंकिल, तू तो बहुत गरीब था, आज तू मेरे पास गोल्ड लेके आया, मैं जब भी सोच रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जैसे तू मेरी कार में बैठा ये भी गोल्ड में कन्वर्ट हो गई। अब तू एक काम कर मेरी सारी गाड़ी में बैठ जा और इनको गोल्ड में कन्वर्ट कर दे प्लीज भाई। अच्छा ऐसी बात है, चले भाई मैं तेरी इस कार में भी बैठ गया, अब देखते हैं ये भी गोल्ड में कन्वर्ट होती है या नहीं होती। रुक जा भैया हम भी बैठ गए। अरे रुक जा फ्रेंकिल मैं भी बैठूंगा, लेकिन सिंचन भाई ये कार अब तक तो गोल्ड में कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी। चलो फाइनली ये भी गोल्ड में कन्वर्ट हो गई, बहुत बढ़िया। फ्रेंकिल प्लीज भाई मेरी सारी कार भाई गोल्ड में कन्वर्ट कर दे, इसके बदले मैं तेरे को बहुत बड़ा घर दूंगा। हाँ ठीक है भाई मैं तेरी सारी गाड़ियों को फटाफट से गोल्ड में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने सिमियन की भाई सारी गाड़ियां गोल्ड में कन्वर्ट कर दी, और गाइस सारी गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है। अरे मैं तो बहुत ही खुश हूँ फ्रेंकिल भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे वाह फ्रेंकिल भैया यार मजे आ गई। अब सिंचन एक काम करते हैं निकलते हैं भाई, जो सिमियन ने हमको घर दिया ना इसके घर में चलते हैं, और क्या चलते हैं फ्रेंकिल भैया वहाँ पे मजे से रहेंगे। फ्रेंकिल बेटा वहाँ पर ना मेरी बहुत सारी गाड़ियां हैं, उनमें भी बैठ के उन्हें भी गोल्ड में कन्वर्ट कर दियो। ठीक है भाई कर दूंगा। और गाइस लिटिल सिंघम को भी मैंने बोल दिया भाई एक दो गोल्ड की कार लेके तू भी अपने घर चले जा। हाँ यार फ्रेंकिल भैया तो लिटिल सिंघम को भी कार मिल गई, अगर फ्रेंकिल भैया हमारे साथ बंदर भी होता ना वो घर नहीं जाता तो उसको भी हम कोई कार दे देते। हाँ सिंचन वो भाई बेचारा घर चले गया डर के मारे। चल अब सिंचन फटाफट से सिमियन के घर पहुंचते हैं, अब तो वो घर ही हमारा हो गया। तो फाइनली गाइस भी मैं और सिंचन यार सिमियन के घर पे तो बस पहुंचने वाले हैं। अरे यार फ्रेंकिल भैया उसे सिमियन के घर मत बोलो यार, अपना घर बोलो अपना घर। हाँ सिंचन भाई अब तो ये अपना घर है। चल देखते हैं सिंचन यहाँ पे आखिरकार कितनी कार खड़ी है सिमियन की। अरे यार फ्रेंकिल भाई काम करो इन सारी गाड़ियों को भी गोल्ड में कन्वर्ट कर दो। हाँ सिंचन ये सारी गाड़ियां भी गोल्ड में कन्वर्ट करते थे, और फिर सिंचन सिमियन से ना काफी सारा पैसा लेंगे इनके बदले। अरे हाँ सही कह रहे हो फ्रेंकिल भैया, वैसे सिंचन भाई ये घर काफी ओपी लग रहा है, और कि एकदम ओपी है फ्रेंकिल भैया। अब तो सिंचन हमारे पास भाई दो दो घर हो गए, और अपने पास भाई कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी आ गई वो भी गोल्ड की कार। अरे फ्रेंकिल भैया वो मुच्चड़ अंकल तो बहुत ओपी था यार, हमको तगड़ी पावर दे के चले गया। हाँ सिंचन भाई तू सही कह रहा है यार, पहले कहीं मेरे पास सेकंड हैंड कार थी जिसमें सिंचन हमेशा प्रॉब्लम आ जाती थी, और अब तो सिंचन मेरे पास भाई सुपर कार है जो कि गोल्ड में कन्वर्ट हो रखी है, उसमें तो सिंचन कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। और देखते हैं, अरे वाओ गाइस यहां पे देखो यार कितना बड़ा एरिया है, और यहां पर तो स्विमिंग पूल भी है यार, मेरे पिछले वाले घर से तो बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है। छोटे वाले में सिंचन नहाएगा और बड़े वाले स्विमिंग पूल में मैं नहालूंगा। अरे वाह ये तो बहुत ओपी है फ्रेंकिल भैया, मजा आ गया। सिंचन भाई ठंडा ठंडा पानी है यार, सिंचन भाई मजा ही आ गया यार, अब तो हमारे पास दो घर हो गए, अब तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रेंकिल सिंचन आपके भाई, तो यार फटाफट से गाइस अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस प्यार वाला बाय।